सर नमस्कार, आप डॉक्टर राजेंद्र जी, स्वागत है आपका डेल्फिक आर्ट काउंसिल की इस एग्जीबिशन में। रंगसार कला प्रदर्शनी जो आयोजित हो रही है, इसमें आप बतौर सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और आप अपने इस कलाकृतियों के साथ यहाँ पर अपनी बात बताएं, थोड़ा सा आपकी इन कलाकृतियों के साथ आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या बात आप रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। बेसिकली मेरा काम है जी, मैं स्पेस को लेके और एक पर्टिकुलर जो कैनवास का जो एरिया है उसको कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। वो चीज़ें समसामयिक की जो दौर है या जो मेरे माइंड में जो चलती है जी, माइंड में जो उथल पुथल होती है, जो माइंड की जो आपदा की प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेवेंट होती है, उसको मैं मोटिव्स के तौर पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें जैसे कि आप देख सकते हो उसमें कुछ एलिमेंट्स, पहले जो मेरा काम था वो मेरा मोनूमेंट्स को लेकर था, उसको भी मैं उसमें क्रिएट करता था, रचाव करता था उसका। लेकिन धीरे धीरे जब ये पिछला जब आप 2 साल का दौर देखो कोविड काल, उसमें मैं अकेला जयपुर रह गया था। उस दौरान जो मेरे दिमाग में जो भी उथल पुथल थी, जो भी मतलब तड़पन थी विचारों की, वो मैंने कहीं ना कहीं इसमें दिखाने की कोशिश की। मोटिव्स के थ्रू और एक जो लस्ट होती है दिमाग में, उस लस्ट को मैंने आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो आपके सामने जी, तो आपका मुख्य माध्यम क्या रहता है जब आप काम करते हैं? मुख्य माध्यम मेरा एक्रेलिक है। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ एक्रेलिक को लेकर काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं मिक्स मीडिया भी डालने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ नया टेक्सचर, नई चीज़ निकल पाए जी। तो राजेंद्र जी, आपके इन कलाकृतियों के माध्यम आप आमजन में क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपके दिमाग में, या तो वो आप कहो किसी से, कह के वो चीज़ों को निकालो ताकि आप रिफ्रेश महसूस करोगे, उसके बाद नया काम, नई दौड़ में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। वही मैं वो काम जो मैं कह नहीं पाता हूँ कहीं से, मुझे लगता है कि शायद पता लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, इस तरह की जो चीज़ें या जो बातें हैं मेरे माइंड में, वो सब मैं जो हमारा जो सृजनात्मक जो पक्ष है उसके जरिए निकालने की कोशिश करता हूँ। यही मैंने पेंटिंग में दिखाया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो दौर है, जो समय है, इसमें आप देखोगे तो हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ यूथ से कि जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी हॉबीज है, उसको किसी भी मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश जी। चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें ये बातें बताई। आपके कलाकृतियों को हम देखें तो हम कलाकृतियों के जो आपकी रंगतें हैं, यहाँ जिस तरह की फॉर्म आपके देखने को लग रही है वाकई में एक्सक्लूसिव है और हमें बहुत अच्छा अनुभव करा रही हैं। और ये जो कलर थीम है आपकी, जिसमें येलो फैमिली के साथ आप कलर में काम कर रहे हैं, वहीं जो आपकी ये जो दूसरी कलाकृति आपकी है वह आपकी ब्लू फैमिली के साथ में ब्लू रंगों के साथ एक अलग माहौल दे रही है, दोनों के अंदर एक अलग ही विरोधाभास देखने को लग रहा है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सर मेरा जो मूड है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, कहीं ना कहीं वो मूड मैं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इन रंगों के थ्रू। कहीं आपको कलर जो है वो सूटिंग लगेंगे, कहीं आपको एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे, विरोधाभासी कलर इस्तेमाल किया, वो सब मेरा कहीं ना कहीं जो मूड है, आर्टिस्ट जो है वो जिस समय में जीता, जिस दौर में जीता, कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट होता है, वही मैंने दिखाने की कोशिश की। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।